मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में संबोधित कर रहे हैं लोगों को, एक बार उनको सुन लेते हैं। आगे की ओर अग्रसर है और 90वां संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए गोरखपुर में भारत सरकार के सूचना प्रसारण खेल और युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की धरती में वे आए हैं, गोरखपुर में आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं आप सब की ओर से, शिक्षा परिषद की ओर से, उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर, गोरखपुर की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखपुर और हिमाचल प्रदेश के वे मूल निवासी हैं और हिमाचल प्रदेश और गोरखपुर का एक बहुत नजदीक का संबंध भी है। जिस महायोगी के नाम पर गोरखपुर का नाम गोरखपुर पड़ा है, महायोगी बाबा गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हिमाचल प्रदेश से ही कांगड़ा जी के स्थान से महायोगी गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है, जिसकी स्मृति में आप प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार और नेपाल के लोग आकर के खिचड़ी चढ़ाते हैं और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो महायोगी गोरखनाथ जी का आगमन हिमाचल प्रदेश से ही हुआ था और आज हिमाचल प्रदेश के ही एक सपूत, भारत सरकार के लोकप्रिय और कर्मठ मंत्री, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश के अंदर न केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारत की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्य बनाए रखते हुए कार्य कर रहे हैं, बल्कि देश के युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है कि भारत में कितनी ऊर्जा, भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है।